तो फ्रेंड्स आज हम राजस्थानी चूरमा बनाएंगे। इसके लिए दो हमें रोटी चाहिए, या परांठे हो या पूड़ी हो, तो एक रात पहले की हो, जिसे हम बासी परांठा या पूड़ी कह सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे, बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में, और मिक्सर ग्राइंडर में चला लेंगे एक बार, तो इससे और महीन हो जाएंगे। और जब एकदम महीन हो जाएंगे, देखिए इसके छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लिए, इसे ग्राइंडर में चला लिया, एकदम देखिए बारीक हो गए। ड्राई फ्रूट्स लेंगे, 5-6 बादाम लेंगे और काजू लेंगे और पॉपी सीड्स वगैरह जितने भी हैं ड्राई फ्रूट्स लिखे हुए आप जाने, और एक बड़ा चम्मच हम घी लेंगे, उसमें से लो फ्लेम पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। जब दे भून जाएंगे तो हम इसमें आधा चम्मच शक्कर और जो हमने रोटी का चूरा डाला है वो मिक्स कर लेंगे, और इसको लो फ्लेम पर 2-3 मिनट हम चला लेंगे। देखिए हमारा राजस्थानी चूरमा तैयार हो गया। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, और बासी रोटी पूड़ी परांठे को आप फेंकेंगे नहीं। आप इसको बना के एक हफ्ते तक एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।